Hello and welcome back. So today we are going to cover your part 4 of your chapter 6, that is combustion and flame. So we have already taken your 3 parts, and in that 3 parts the last one was what we did is pollution and pollution related problems that are caused by the combustion of fuels. So today this is the last part, and our chapter will be completed today. Okay, आज पूरा ये कंबस्टन और फ्लेम का चैप्टर होने वाला है आपका. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो व्हाट इज दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट? पहला मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है. तो गैस इज योर CO2. ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी पूछें तो एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफियर लीड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन दी अर्थ. जब हमारे एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है कि आपका जो अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है. एंड दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है? दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. अब बेसिकली क्या है कि मान लो ये आपका अर्थ है. जस्ट अ सेकेंड. अब ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे करेगा आपकी, तो ये डिस्कस करते हैं. देखो, लेट्स फॉर एग्जांपल सी इफ दिस इज द अर्थ. ये आपकी अर्थ हो गई है. ठीक है, यप. Now let's start. If this is your earth and this is the atmosphere, यहाँ पर क्या होता है कि एक कवर बना होता है हमारे अर्थ पे. यहाँ पर ट्रैप हो जाती है आपकी CO2, और इसी CO2 की ट्रैपिंग की वजह से आपका जो एटमोसफियर है वो क्या करता है, हीट अप करता है. एंड इसी हीटिंग को आप बोलते हो ग्लोबल वार्मिंग. अब जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी अर्थ पे तो क्या होता है, पहला कि जो आपकी पोलर एरियाज में बर्फ है वो पिघलने लग जाती है. देन बहुत सारे नेचुरल चेंजेस आते हैं, बारिश भी होती है प्लस पानी सूखा पड़ जाता है. तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे ऊपर काफी सारी जो है अर्थ पे परेशानियां भी आती हैं. ठीक है, तो ये सिर्फ एक डेफिनेशन थी. बाकी हीटिंग अप ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय CO2 इन एटमोसफेयर इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. अब क्या होता है कि हमारा जो एटमोसफियर है वहां पर CO2 की कंसंट्रेशन जब आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ी तो हमारी जो अर्थ सन की रेडिएशन आ रही है हमारी अर्थ पे तो वो इंफ्रारेड होती है रेज. तो इंफ्रारेड ये जो CO2 क्या करती है, ये हमारा सन है, यहां से आई आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन. अब यहां से जैसे ही सनलाइट अंदर एंटर करेगी आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जो यहां पर CO2 है ये इंफ्रारेड रेज को ट्रैप कर लेगी. ठीक है, जैसे ही यहां पर ट्रैपिंग होगी, ट्रैपिंग की वजह से आपका जो इंक्रीज है वो ग्लोबल वार्मिंग जो है आपकी इस ट्रैपिंग की वजह से इंक्रीज कर जाएगी. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या होता है, तो इट कॉजेस व्हाट, ये डिस्कस करते हैं. व्हाट डज ग्लोबल वार्मिंग डू? इट कॉजेस चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन. क्रॉप कल्टीवेशन के पैटर्न में चेंज आ जाता है. इट एडवर्सली इफेक्ट द मॉनसून रेन्स. मॉनसून रेन जो होती हैं उसमें बहुत ही एडवर्स इफेक्ट करता है. देन एक्सेसिव मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस. पोलर आइस पे एक्सेसिव मेल्टिंग होती है जिसकी वजह से आपका जो लेवल ऑफ वाटर है सी और ओशन का वो रेज कर जाता है. ठीक है, जब जैसे ही आपके वहां पर बर्फ पिघलेगी पोलर एरियाज में तो क्या होगा, जो आपका वाटर है वाटर लेवल जो है इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, और जिसकी वजह से अब मान लो वाटर लेवल इंक्रीज कर गया तो जो नियर बाय जो प्लेन एरियाज हैं, जो कोस्टल एरियाज से लगते हुए एरियाज हैं, वहां पर क्या हो सकता है, फ्लडिंग भी हो सकती है और सबमर्जिंग भी हो सकती है. बेसिकली जो लो लाइंग एरियाज होते हैं उनकी सबमर्जिंग. ठीक है, ये होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग के कि क्या क्या नुकसान होते हैं. आगे चलते हैं. सो द ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है आपका? इट इज द राइज इन टेम्परेचर दैट द अर्थ एक्सपीरियंसेस बिकॉज ऑफ सर्टेन गैस इन एटमोसफियर. तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये किसके लिए होता है और कौन सी गैसेज रिस्पॉन्सिबल होती हैं? सबसे पहला ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए CO2 रिस्पॉन्सिबल है. दूसरी गैस है आपकी मीथेन.
ये दो गैसेस ऐसी हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए. क्या करती हैं? दे ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सन, एंड विदाउट दीज गैसेस हीट वुड एस्केप बैक इनटू द स्पेस एंड अर्थ एवरेज टेम्परेचर वुड बी 60 फ़ारेनहाइट कोल्डर. अब इस ट्रैपिंग की भी हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हमारी जो सन की रेज है वो ट्रैप नहीं होंगी तो क्या होगा, वापस से बाउंस बैक कर जाएंगी रेज, और उससे क्या होगा कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी जो है इंक्रीज कम हो जाएगा और काफ़ी जो है ठंडा हो जाएगा. ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट इसी की वजह से, इन गैसेस की वजह से कि जो हमारा अर्थ का एटमोसफियर है वो स्टेबल रहता है. आई होप इट इज़ क्लियर. हमें पता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर आपने सुना होगा कि इट इज़ अ वेरी डेंजरस एयर पोल्यूटेंट. अब कई बार अंगीठी में हम कहते हैं अंगीठी में हमें सोना नहीं चाहिए, कि अंगीठी जला के आसपास, तो क्यों नहीं सोना चाहिए, बिकॉज उसमें से निकलती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड को जैसे ही हम इनहेल करेंगे तो वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके क्या बनाती है आपकी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ ये बात, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मूला है CO. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड अब ये क्या करती है, इट इज़ द मोस्ट डेंजरस एयर पॉल्यूटेंट. जैसे ही हम इसको इनहेल करेंगे तो ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगी. हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होने के बाद क्या बनाएगी ये बनाएगी आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, जब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा तो क्या होगा कि जो ये आपके जो ऑक्सीजन होती है उसको कैरी नहीं होने देता. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक बार बन गया, इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू कैरी इन योर वेरियस पार्ट्स. तो उससे क्या होगा, जब ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से, हमारा डेफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो टिश्यूज हैं उसमें सफोकेशन हो जाएगी, टिश्यू डेथ हो सकती है, एंड इवन हमारी भी जो है वो डेथ हो जाती है कई केसेस में. तो इसलिए कहते हैं अंगीठी के पास हमें अंगीठी जला के रात भर नहीं सोना चाहिए. सो इट इज़ ड्यू टू दिस रीजन कि इट इज़ एडवाइसेबल टू स्लीप, नॉट टू स्लीप इन द क्लोज रूम विद कोल फायर्ड फायर प्लेस. अभी अंगीठी को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, इट इज कोल फायर्ड फायर प्लेस इनसाइड ऑन अ कोल्ड विंटरी नाइट. सो क्या होता है, जैसे ही आपका रूम क्लोज होता है तो कोई भी फ्रेश एयर जो है आपके रूम में एंटर नहीं कर पाती. तो इनिशियल बर्निंग ऑफ कोल वुड कंज्यूम वट एवर ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन द रूम, दस कोल या वुड वुड बर्न इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन producing carbon monoxide. When inhaled, carbon monoxide will cause suffocation and even death. I hope एक समझ आया होगा. हिंदी में मैं समझाती हूँ आपको क्या मतलब है इसका. जब भी आप अंगीठी जला के अपने रूम में सो जाते हो, रूम आपका बंद है, ऑक्सीजन अंदर आएगी नहीं, ठीक है, रूम में ऑक्सीजन एंटर करी नहीं, तो उससे क्या होगा, जब आप अपनी अंगीठी को जलाओगे तो पहली बार जब कोयला जलेगा तो उसको जलने के लिए हमें पता है कंबस्शन होने के लिए हमें एयर की रिक्वायरमेंट है, और एयर में भी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन. तो जितनी भी रूम की ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, धीरे धीरे जैसी कंबस्शन होती रहेगी वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता रहेगा, यूज़ करता रहेगा. अब जब हमारे रूम की ऑक्सीजन कम होती जाएगी तो कैसी एक एक किस तरीके की बर्निंग होगी आपकी, एक आपकी इनकम्प्लीट बर्निंग होगी धीरे धीरे, बिकॉज ऑक्सीजन तो कम है, बाहर से ऑक्सीजन आ नहीं रही, अंगीठी पूरी रात जल रही है, अंगीठी को जलना ही और कंबस्शन को होना ही है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो है जो आपकी इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी आपके रूम में, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से. और जैसे ही आप इस कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर जाओगे तो आपको सफोकेशन हो जाएगी. क्यों? क्योंकि आपके कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन करेगी आपकी हीमोग्लोबिन में ब्लड के साथ और बना देगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है आपकी ऑक्सीजन को कैरी करने नहीं देगा आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, टिश्यू डेथ और आपकी भी डेथ इसमें केस में हो सकती है. समझ आ गया, इससे ज़्यादा अच्छे से शायद मैं ना समझा पाऊँ आपको. आगे चलते हैं. सो नाउ विल डिस्कस अबाउट एसिड रेन. एसिड रेन क्या है? द वाटर द रेन वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इज कॉल्ड एज एसिड रेन. जो वाटर जिस रेन वाटर में डिजॉल्व होते हैं ऑक्साइड नाइट्रोजन के और सल्फर के, उसी को हम एसिड रेन बोलते हैं. एंड एसिड रेन जो है आपकी बहुत ही हार्मफुल रहती है आपके लिविंग और नॉन लिविंग के लिए. सो एसिड रेन में अगर आपसे पूछा जाए, पहला क्वेश्चन जो बनता है
कि उसमें क्या होता है, किस चीज़ के ऑक्साइड्स होते हैं या फिर कौन सी चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंचता है। तो पहला डिजॉल्व ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और दूसरा डिजॉल्व ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये दो चीज़ें हैं जो एसिड रेन कॉज करती हैं। जब भी एसिड रेन हमारे ऊपर गिरती है तो हार्मफुल लिविंग और नॉन लिविंग के लिए होता है। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं इस एसिड रेन के, तो ये डिस्कस करते हैं। पहला, एसिड रेन प्रमोट्स कोरोजन ऑफ मेटालिक स्ट्रक्चर, कोरोजन होती है मेटालिक स्ट्रक्चर की। दूसरा, जो आपका लाइमस्टोन और मार्बल है ये उसके साथ रिएक्ट कर देता है, जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए, ताजमहल वगैरह हो गया, अब वो किसकी वजह से पीला पड़ा है, वो पीला पड़ा है आपके एसिड रेन की वजह से। तो क्या करती है, ये रिएक्ट करती है लाइमस्टोन के साथ, मार्बल के साथ, और इसी रिएक्शन की वजह से मार्बल जो है आपका कोरोड हो जाता है और अपनी शाइन खो देता है, ठीक है। दूसरा एक नेगेटिव इफेक्ट, तीसरा नेगेटिव इफेक्ट है इसका कि एसिड रेन आपके प्लांट्स और एक्वेटिक मरीन लाइफ को भी इफेक्ट करता है, लाइक इट डिस्ट्रॉयज प्लांट्स एंड फिश। एसिड रेन और क्या करती है, जो आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी है, उसको भी डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। सो ये है आपके हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। जुडिशियस यूज ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो ये हम कैसे जुडिशियस यूज कर सकते हैं, या फिर कहते हैं कि यूज किसके बेसिस पे होता है, जैसे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी हम जुडिशियल यूज नहीं कर पाते अपने रिसोर्सेज को, एफ्लुएंट लाइफस्टाइल है पीपल का, एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल है पीपल का, लोगों का, तो इसकी वजह से भी जुडिशियली ये जो है हमारे यूज नहीं हो पाते, ठीक है। तो बाकी अब हम डिस्कस करते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर हैं और आपका चैप्टर ये अब हो गया है ख़त्म मेरी तरफ से। इसके अलावा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं बचेगा पढ़ने के लिए, जितना मैंने करा दिया उतना ही आप कर लें तो एनएफ है आपके लिए, एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, पहला कि अगर हमें एक एक इम्पॉर्टेंट तरीके से यूज़ करना है या जुडिशियल यूज़ करना है अपने रिसोर्सेज को, पहला पॉइंट है कि बाय स्लोइंग डाउन द यूज़ ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल्स, कि जो कन्वेंशनल फ्यूल कौन से होते हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है, ये होते हैं आपके कन्वेंशनल फ्यूल्स। दूसरा है आपका बाय एंकरेजिंग द यूज़ ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज, पहला हमें कोल, पेट्रोलियम, इन कन्वेंशनल सोर्सेज रिसोर्सेज को यूज़ करना बंद करना पड़ेगा। दूसरा कि हमें जो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कि विंड है, आपकी सनलाइट है, हाइड्रो एनर्जी है, जियोथर्मल है, इन सब का यूज जो है वो करना पड़ेगा एंकरेज। तीसरा बाय प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग मोर फ्यूल एफिशिएंट मशीन, हमें ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट मशीन्स यूज़ करनी है, जैसे कि जो ज़्यादा पेट्रोल ना खाएं, जो ज़्यादा डीजल ना पिए, तो उसकी वजह से भी जो है हमारा ज़्यादा खपत होती है चीज़ों की। तो और चौथा क्या है, जो हमारा चूल्हा जलता है घर में, बाय यूजिंग स्मोकलेस इम्प्रूव्ड चूल्हा, ठीक है, जिसको आप स्मोकलेस इम्प्रूव्ड चूल्हे को आप दूसरा नाम क्या बोलते हो, इसको उन्नत चूल्हा भी बोलते हैं हम, ठीक है, उन्नत चूल्हा। अब रिवाइज कर लेते हैं दो चार पॉइंट्स। पहला, बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस सर्टेन गैसेस और जिसकी वजह से आपका सीवियर एयर पोल्यूशन होता है। दूसरा, एक्सेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये लीड करता है आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इंक्रीज करने में अर्थ के, और जिसकी वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज होती है। थर्ड इज ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये आपका एसिड रेन कॉज करते हैं। देन एसिड रेन क्या क्या करता है आपके, जैसे कि मार्बल स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, फर्टिलिटी जो सॉइल की है उसको वो लूज हो जाती है। टू सेव द अर्थ फ्रॉम द डैमेज कॉज बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल, हमें कुछ कुछ जो है गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि हमें अपनी पेट्रोल, डीजल और कोल की खपत को स्लो डाउन करना होगा। दूसरा कि हमें जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका उसकी यूज़ को एंकरेज करना पड़ेगा। थर्ड इज मोर फ्यूल एफिशिएंट मशीन्स, जो कि इम्प्रूव्ड चूल्हा जिस उसको यूज़ करना पड़ेगा, इम्प्रूव चूल्हा या इम्प्रूव प्रेशर स्टोव को वी शुड यूज़, ओके। यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि विच गैस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, तो कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग को लीड करती है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड,
सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2. नेम द गैसेस विच कॉजेज एसिड रेन. कौन सी गैसेस एसिड रेन करती हैं प्रोड्यूस? तो ये है आपकी CO2, दूसरा है जो आपके ऑक्साइड्स और सल्फर और नाइट्रोजन, इसकी वजह से एसिड रेन होती है, ठीक है. तो दैट इज नाइट्रोजन एंड योर सल्फर. हाउ डज एसिड रेन इफेक्ट सॉइल फर्टिलिटी? अब सॉइल फर्टिलिटी को एसिड रेन कैसे इफेक्ट करेगी? अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर कंटेन करता है आपका एसिड रेन. जैसे ही वो मिट्टी पे गिरेगी तो जो मिट्टी की एल्कलिटी है, जो क्रॉप्स को चाहिए एल्कलीन मिट्टी, एक सूटेबल टेम्परेचर, एक सूटेबल पीएच वैल्यू, वो क्या करेगी, ये ऑक्साइड्स क्या करेंगे, उसकी जो बेसिक पना है उसको हटा के एसिडिक बना देंगे हमारी मिट्टी को, जिसकी वजह से हमारी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है, ठीक है. नेम थ्री ग्रीन हाउस गैसेस. तीन ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन NO2, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. व्हाट इज द फास्ट डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड? फास्ट डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को आप क्या बोलते हो? एनर्जी क्राइसिस, ठीक है. सो टुडे योर चैप्टर इज ओवर. Tomorrow I'm gonna discuss the question and answers and your MCQs that can come in your competitive exams. So this is all from my side, and after day after tomorrow I'm gonna take a new chapter for you. So till then take care, good luck, and keep practicing, keep studying. Stay home, stay safe, and if you have any doubt and if you want me to take any other subject, you can mail me at sbss.inquiry@gmail.com, or you can message me or email me at the WhatsApp number that we have provided to you. You can mail us there or you can WhatsApp us there. Okay, till then take care.